ये है माँ कछार देवी का मंदिर, ये है वो गुफा जहाँ पर विवेकानंद जी ने तप करा था। और अमित जी, काफी देर से उन्होंने बचा के रखा था प्रसाद। आज हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर है और ये 108 शक्तिपीठों में से, जो इंडिया में, भारत में जो 108 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। नासा के भी इस मंदिर के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, नासा ने भी बहुत सारे फैक्ट किए इसके बारे में, तो ये वहीं जाके हम डिस्कस करेंगे मंदिर में जाके। जय माँ पाताल देवी। और ये रास्ते में कसार देवी जाते हुए, तो यहाँ से कसार देवी रह गया 5 किलोमीटर और ये जागेश्वर के लिए नीचे वाला, और ये कसार देवी के लिए। और ये रास्ते में आया है सिमतोली इको पार्क। और ये अब हम पहुंच चुके हैं माँ कसार देवी के मंदिर से ठीक नीचे, और यहाँ पे है मुख्य गेट, रास्ता है मंदिर जाने का, और इस गेट से भी हम ऊपर जाएंगे। जय माता दी। और ये आगे हमारी पूरी टीम, रुचि, संदीप, शुभम, मामी जी और अमित जी। ये आए हैं हम नीचे से, और आधा किलोमीटर है कसार देवी का मंदिर रोड से, और ये पेड़ों के बीचों बीच मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये हमारे सहयोगी साथ के जा रहे हैं माँ कसार देवी के मंदिर में। जय माता दी। अमित जी, क्या है फिर यहाँ का? जैसे कि यहाँ पे मंदिर तो है ही कसार देवी का, वो शक्तिपीठ हैं जो भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। उसी के साथ साथ यहाँ का कुछ एक वैज्ञानिक रहस्य ये भी है कि ये भारत की एक इकलौती ऐसी जगह है, अच्छा, जहाँ पर चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में? हाँ। और मंदिर के आसपास कई ऐसी जगह हैं जहाँ जमीन के अंदर बड़े बड़े भू चुंबकीय पिंड हैं, मतलब। अच्छा। और जो ये मंदिर है कसार देवी, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वो वैन एलेन बेल्ट है, ये जो पूरा चारों तरफ का। और अमित जी, ये बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में लगभग हम पहुँच ही गए हैं। नीचे शायद रहने रहने की व्यवस्था वो बने होंगे, यहाँ गेस्ट हाउस टाइप के ना, कोई मंदिर समिति के कोई आता होगा, रात रहता होगा। हाँ, ये ऊपर, जस्ट ऊपर है मंदिर माँ कसार देवी। और जैसे कि आप बात कर ही रहे थे कि यहाँ चुंबकीय कुछ शक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे अलग ही एहसास खुद से भी हो रहा है जब फीलिंग। हाँ, वो चुंबकीय शक्तियों का जो फील हो रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ, कुछ अलग शक्ति है यहाँ पे। और बताते हैं कि विवेकानंद जी भी यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 1890 के आसपास एक गुफा है यहाँ पे इस पर्वत में कहीं ना, तो वहीं पे ही उन्होंने ध्यान और काफी 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया। ये है माँ कसार देवी का मंदिर एकदम सबसे ऊपर वाली उस पे, चोटी पे। जय माता दी। और बिल्कुल पत्थरों देख सकते हैं आप, एक साइड पत्थर है और यही कहीं गुफा होगी, तो इन्हीं गुफाओं में उन्होंने विवेकानंद जी ने ध्यान भी करा होगा। और थोड़ा माँ का हम भी आह्वान कर लेते हैं, अभी यहाँ पे शिव मंदिर और विवेकानंद, हाँ ये ध्यान आगे है, वहाँ भी चलेंगे। जय माता दी, जय माँ। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है, और बताते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पे दुर्गा, माता दुर्गा ने सुम्बुनिसुम्ब का वध भी इसी स्थान पे किया था, यहीं इस कसार देवी के मंदिर में। और अब हम दर्शनों के बाद जा रहे हैं शिव भगवान जी के दर्शन के लिए, भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए ऊपर। और नैनू तो जिद करती है कि मुझे अपने आप ही जाना है। चल चलो बेटा, आप गोदी आएगी नैनू? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और अमित जी,
अमित जी काफी देर से उन्होंने बचा के रखा था प्रसाद, लेकिन बंदरों ने छीन लिया और कुछ नीचे भी ले गए। और वो भाग्य थैली को लेके एक बंदर और एक ये है बंदर है यहाँ बहुत, लेकिन शांत है, वैसे झपट ही रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये हमारी पूरी टीम, जय शिव शंकर जय भोले। और ये है प्रसाद देवी के ठीक ऊपर ये भोलेनाथ जी का मंदिर और पगल वाला भैरव जी का मंदिर। जय भोलेनाथ जय भैरव देवी। और ये है नेचुरल नंदी, ये देख सकते हैं पत्थरों के ही बने हैं नंदी महाराज, और ये नीचे आप देख सकते हैं कितना शानदार पत्थर बिल्कुल जबरदस्त। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। फिर से हम नीचे आए हैं और मंदिर के ठीक नीचे भोलेनाथ जी के ठीक मंदिर के नीचे यहाँ पे है ये गुफा जिसकी बात कर ही रहे थे, और ये ध्यान गुफा है जहाँ पे बताते हैं कि विवेकानंद जी ने भी इसी गुफा में ध्यान करा था। और मामी जी नहीं है, अब जा रहे हैं मामी जी ध्यान कर रहे। और ये है वो गुफा जहाँ पर विवेकानंद जी ने तप करा था, और ये ध्यान गुफा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे, और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। जय भोलेनाथ। और ये पूरी ही जगह पूरा क्षेत्र ही बिल्कुल ध्यान के लिए परफेक्ट हो, और यहाँ अंदर तो खैर जय हो। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना बड़ा पहाड़ है यार, इसके नीचे है ये ध्यान गुफा। तो ये था दोस्तों आज हमारा माँ कसार देवी के मंदिर का सफ़र, और हमने भोलेनाथ भगवान जी के दर्शन भी करे और गुफा भी देखी जहाँ पे ध्यान गुफा। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।